हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना लगभग मेरे ख्याल से सबने सुन रखी है, क्योंकि हर एक ये घटना सुनाता है अपने हिसाब से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खड़े हैं, पास में भाई दया सिंह जी खड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान से देखा तो वो एक धरती पर देख रहे हैं, एक सांप को हजारों चींटियों ने चींटियां उसे खा रहे हैं। जिंदा सांप है, जख्मी है, उसे हजारों चींटियां खा रही हैं। भाई दया सिंह जी कहने लगे, पाछा आपको तरस नहीं आता, आप उसे देख के मुस्कुरा रहे हो। कहने लगे, तू वो नहीं देख रहा जो मैं देख रहा हूं। ये ढोंगी संत था, इसने अपने साथ हजारों चेलों को जोड़ रखा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो नरकों में गया ही, अपने उसके चेले भी साथ में नरकों में गए। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। अब ये चेले अपना हिसाब पूरा कर रहे हैं, इसे जीवित खा रहे हैं। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। विचार करने वाली बात है, वो संत तो ढोंगी था जो अपने से जोड़ रहा था, पर वो लोग, उन्हें ज्ञान नहीं था। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। इसीलिए दास हमेशा कहता है कि भगवान ने अकल सबसे ऊपर रखी है। धंधे में तो हम पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर भी इस्तेमाल करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत सोच समझ कर करो, सोच समझ कर। एक एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु।